ब्लास्ट हुआ था सितंबर में 11 में, उसके में CFSL मोहाली से फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें क्रैकर्स को बनाने वाले जो रॉ मटेरियल्स हैं उसी का जो केमिकल्स हैं वो आए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में ये पोटाश और दूसरे जो केमिकल जो पाए गए हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को भी पूछताछ के लिए लिया जाएगा जिन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई की है? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहाँ से आए, किसके लिए आए, कैसे आए, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम पता चले। तो अब पहले रोमी से पूछताछ के दौरान कुछ खास बातें सामने नहीं आई, अब दोबारा रोमी को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में भी जा रही थी? अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी तो हम जरूर उसको रिमांड लेंगे उसकी।